मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ नौ प्रार्थना। ये कविता है। सुन लो विनती हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। इसमें इस कविता में छोटे छोटे बच्चे जो नादान ना समझ बच्चे हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। विनती मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमारी विनती सुन लो, हमें पढ़ने का दो वरदान, सबके मुख पर रहे मुस्कान। वो क्या कह रहे हैं कि हमें हे भगवान हमें पढ़ने का वरदान दो। क्या दो वरदान? वरदान मतलब अपनी मनचाही वस्तु जो हम भगवान से प्रे करके मांगते हैं। सबके मुख पर रहे मुस्कान, और हम सबके मुख पर, मुख मतलब मुंह पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। देश जाति का नाम बढ़ाएं, हम नित ऊंचे चढ़ते जाएं। हे भगवान हम देश और जाति का नाम बढ़ाएं और हम हमेशा आगे बढ़ते जाएं। तिरंगे झंडे की शान बढ़ाएं, अच्छे गुणों को हम अपनाएं। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके हमेशा हम शान मतलब प्रतिष्ठा बढ़ाएं, और जो सारे अच्छे गुण हैं वो हम अपनाएं। धीर वीर गंभीर बने हम, साहसी और सुशील बने हम। धीर मतलब धैर्यवान, धीरज रखने वाला। वीर मतलब बहादुर बने हम। धीर वीर गंभीर बने हम, साहसी और सुशील बने हम। के भगवान हम धीरज रखने वाले, बहादुर, अच्छे इंसान बने, साहसी और सुशील, हिम्मत रखने वाले और सरल सीधा सरल इंसान बने। परोपकारी और आज्ञाकारी बने हम। परोपकारी मतलब जो दूसरों का भला करने वाला, और आज्ञाकारी मतलब जो आज्ञा मानने वाला। तो क्या कह रहे भगवान से कि हम परोपकारी, दूसरों का भला करने वाले और हमेशा आज्ञा मानने वाले बने। भारत माँ की शान बने हम, और जो हमारी भारत माँ है उसकी क्या बने हम? शान बने। हमें, हम पे गर्व हो भारत माता को, हम ऐसे बने। तो इस कविता में बच्चों ने भगवान से पैर किए कि हमें ऐसा बनाना। ओके, थैंक यू।